महिला इसमें साथ है, सातों महिलाओं को समय नहीं मिलता है एक मिनट बोलने का, कि आप एक प्रश्न का समय तय कर दे ताकि जो अगला सदस्य है जिनके सवाल है जवाब है उनको पूछने का पूरक का समय मिल सके। लगातार 10-11 दिन से हम लोग यहां बैठे हुए हैं और जिन सवालों का हम लोगों ने इस सदन में जिक्र किया उसको बोलने का पूरक का समय हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो सदन से मेरा यही आग्रह होगा, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो चुप बैठे हैं। हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिले, हम लोग को भी बोलने का मौका मिले। लगातार गंभीर विषयों का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सदन में, हम लोग को कोई बोलने का समय नहीं मिलता है, ना मंत्री का जवाब जो मिलता है वो बिल्कुल सवाल से अलग मिलता है। चाहे अधिक बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे कम बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे नहीं बोलने वाले प्रश्न करें तब भी। चलते हुए 11 दिन बीत गए और हम लोगों का प्रश्न की बारी नहीं आ पा रही है। दुर्भाग्य ये है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोग इस सदन में आते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रश्न उत्तर का समय इस सदन में चूंकि एक सवाल में आधा घंटा का समय लिया जा रहा है, तो मैं माननीय सभापति महोदय से यह कहना चाहूंगी कि आप एक प्रश्न का समय तय कर दे ताकि जो अगला सदस्य है जिनके सवाल है जवाब है उनको पूछने का पूरक का समय मिल सके। लगातार 10-11 दिन से हम लोग यहां बैठे हुए हैं और जिन सवालों का हम लोगों ने इस सदन में जिक्र किया उसको बोलने का पूरक का समय हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो सदन से मेरा यही आग्रह होगा, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो चुप बैठे हैं। महिला इसमें सात है, सातों महिलाओं को समय नहीं मिलता है एक मिनट बोलने का। हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिले, हम लोग को भी बोलने का मौका मिले। लगातार गंभीर विषयों का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सदन में, हम लोग को कोई बोलने का समय नहीं मिलता है, ना मंत्री का जवाब जो मिलता है वो बिल्कुल सवाल से अलग मिलता है। पूर्वे जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद समय कुछ मिलने लगा है हमें। नहीं, आप तो अभिभावक हैं, इससे विषय नहीं है, लेकिन मैं सदस्य होने के नाते मैं अपना आप ही के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्या जो कह रही सुनने में वाजिब भी लगता है और हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो आप निर्णय लीजिएगा उनके अनुरोध पर सरकार को किसी निर्णय में कोई एतराज नहीं है, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा। सरकार को तो जवाब देना है, चाहे अधिक बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे कम बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे नहीं बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, जवाब तो हमको देना है। और सरकार तीनों तरह के श्रेणी के माननीय सदस्यों के जवाब देने के लिए हम लोग मुस्तैद हैं, आसन जो फैसला करेगा। माननीय सभापति महोदय, आज मेरा सवाल है 285 नंबर पे, लेकिन उसका जवाब माननीय मंत्री जी से हमको सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसीलिए विषय में पिछले लगातार सदन में उपस्थित हूँ, लेकिन हम लोग का सवाल आने का मौका ही नहीं पाता है, तो इसका निवारण कैसे हो माननीय सभापति जी? इसका आप कोई उपाय करें, या तो महिलाओं के प्रश्न को पहले रखें कि ताकि हम लोग बोल सके पूछ सके। नहीं, मेरा तो यही आग्रह होगा, सरकार भी बैठी हुई है, हम सभी अपोजिशन में हैं और सभी महिलाओं की आवाज को मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूं, और जैसा भी विषय हो। प्रश्न नहीं, वो तो अलग विषय है, वो अलग विषय है। आज मेरा 85 है, मेरा पूरक पूछने का हमें मौका नहीं मिला है, इसलिए मुझे आज बड़े विनम्रता से यह कहना है माननीय सभापति महोदय जी, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं कहूंगी, कोई भी सदस्य अपोजिशन हो या पोजिशन हो, सभी के लिए समय का निर्धारण होना चाहिए।